हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आज आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के उद्देश्य से, जो कि आपको पता है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसी है, उस वैकेंसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। क्योंकि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और किए भी हैं, आगे लगातार कंटिन्यू उसे जारी रखे हुए हैं। तो देखिए, पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्वयं का आकलन करना कि क्या हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो तैयारी है, वह सही है या नहीं सही है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम तकरीबन 5,000 प्लस प्रश्नों के संकलन, महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आएंगे, ऐसे और प्लस एग्जाम को बहुत अच्छे से, बीपीएससी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बहुत अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिया गया प्रश्न अच्छा लगेगा। आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हम बहुत देखिए, यह प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आकलन के लिए है। अगर आपको नहीं आता है, जिस भी चैप्टर से प्रॉब्लम है, तो आप जाके अपने बुक्स से, जिन भी बुक्स से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से आप पुनः उसको पढ़ सकते हैं, पढ़िए, पढ़ सकते हैं नहीं, उसे पढ़िए और उसे तैयार करिए, उस चैप्टर को तैयार करिए। साथ ही साथ जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, यह देखने के लिए कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, कि कैसे प्रश्न हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन को बोलेंगे। इसके बाद में हम मात्र 2 से 3 सेकेंड का रुकेंगे। इसके बाद में आपको उत्तर बताते हुए हम आगे निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, स्पीड बना रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। ठीक है, तो नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक अधिक। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। ठीक है, ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे प्रश्नों को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, आपसे यह पूछ रहा है, तो मौर्य, गुप्त, नंद, लिच्छवी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक का पूछा जा रहा है, उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पे उदयन। ठीक है, उदयन है। ये मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाते हैं। पाटलिपुत्र में आपका शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने भी शासन किया था। ठीक है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आपसे यही पूछ रहा है, मुंडा, गोंड, संथाल, कोरा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आपका सही उत्तर है मित्रों, संथाल। ठीक है, संथाल। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 में क्या था? तीसरा, 13वां, 5वां, दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तीसरा, तीसरा स्थान था। ठीक है, पहले पे यूपी, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। केसरिया सुप्रसिद्ध है पालसेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये आपका है मित्रों, बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, केसरिया सुप्रसिद्ध किसके लिए था? बौद्ध स्तूप के लिए था। चलिए नेक्स्ट, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विहार, अशोक स्तंभ, उदंती पक्षी विहार, कामाख्या मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सलीम अली पक्षी विहार आपका मित्र
गोवा में है, ठीक है, ये आपका गोवा में है, और उदंत पक्षी बिहार, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, कामाख्या मंदिर आपका असम में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ठीक है, तो हमने इसका उत्तर देखा, पीछे पीछे भी यह प्रश्न आया हुआ था, उदयन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, ठीक है, संस्कृत, प्राकृत, पाल, हिंदी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाल, ठीक। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तक्षशिला, चोल, अनर्थ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन ई, क्योंकि उसको कहा जाता था आपका मगध, ठीक है, मगध को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला आपका पाल वंश का अंतिम शासक था धर्मपाल, उसी के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध, ठीक। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, आपसे ही पूछ रहा है, महीपाल, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल। तो देखिए अभी पीछे था यह प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है ये, तो इसमें से एथेंस, पाटलिपुत्र, वैशाली, स्पार्टा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर बनेगा वैशाली, ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका, वैशाली। नेक्स्ट, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय क्या थी। तो देखिए हम भी हमने बताया था तक्षशिला, बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में हमने बताया कि पाटलिपुत्र पे आपके शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश ने शासन किया था, ठीक है। प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता था, यानी कि ऐसा कौन सा है नाम जिसे आज का पटना जो है वो किस नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र, पटन देवी, राजगृह, वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका मित्रों पाटलिपुत्र, ठीक। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, ठीक है, इनमें से शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था, नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी, विजयनगर। तो देखिए इसमें से आपका नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, उदंतपुरी भी था, विजयनगर नहीं था, ठीक है, विजयनगर नहीं था। नालंदा शक्रादित्य, जिसे हम कुमार गुप्त प्रथम के नाम से जानते हैं, इसने इसकी स्थापना कराई थी, और विक्रमशिला का पता ही है आपको, अभी आपने पढ़ा ही पीछे, घनानंद ने, ठीक है, जो कि नंदवंश के अंतिम शासक थे। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था, हमसे पूछ रहा है, शिशुनाग, घनानंद, कनिष्क, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मित्रों इसमें ऑप्शन सी, कनिष्क, ये आपका कुषाण वंश से संबंधित शासक है, इसका संबंध मगध से नहीं रहा है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, ठीक है, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, तो ये आपका इसका संबंध है गुप्त, मौर्य, कुषाण शक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मौर्य, ठीक। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन आप किसने किया था, इसमें से मेगस्थनीज, इब्न बतूता, वेनसांग, अलबरूनी या इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेन सांग। वेन सांग आया था, उसी ने किया था यहाँ पे अध्ययन। ठीक, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अशोक ने आपके कहाँ पे किया था? कलिंग पे किया था। ठीक है, ये ऑप्शन डी है आपका, कलिंग पे किया था। चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमें पता है कि चौथी बौद्ध संगीत आपके कनिष्क के समय में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, यह आपके कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? मौर्य, वर्धन, गुप्त, शुंग, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है गुप्त वंश के शासक थे। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, को किसने बनवाया था? ठीक है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनवाया किसने था, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसे आपके बनवाया था मौर्य सम्राटों ने। ठीक है, मौर्यों ने बनवाया था। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करना है। कथन ये है कि अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजयी हुए। कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया। तो देखिए, पहला वाला तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये 261 ईसा पूर्व है। ठीक है, 261 ईसा पूर्व है, तो देख लीजिएगा इस तरीके से। आपका ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? आपसे यही पूछ रहा है। कपिलवस्तु, मिथिला, जनकपुर, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु के। नंदवंश का अंतिम राजा कौन था? कनिष्क, हर्ष, विक्रमादित्य, घनानंद, या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद थे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। ठीक है, बिहार, मिर्जापुर, बंगाल, सुंदरवन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है, बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, जनकपुर, राजगीर, या इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यों की भी राजधानी कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक, अशोक महान पुत्र थे, किसके थे? अशोक किसके बेटे थे? बिंबिसार, बिंदुसार, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य। तो ये आपके बिंदुसार के लड़के थे। ठीक है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, और मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, आपसे पूछा जा रहा है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र तो बाद में बना था, राजगृह था। ठीक है, राजगृह था, राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुआ था, तो इसलिए पूछ रहा है प्राचीन महाजनपद, तो वो राजगृह था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पुरापाषाणिक संस्कृत, मध्यपाषाणिक संस्कृत, ताम्रपाषाणिक संस्कृत, नवपाषाणिक संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन डी, नवपाषाणिक संस्कृत। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमत, स्थूलभद्र, सुधर्मन, या इनमें से कोई नहीं। स्थूलभद्र थे। ठीक है, ऑप्शन सी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी?
यानी कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। पाटलिपुत्र में राजधानी कहाँ से स्थानांतरित किया गया था? राजगृह से। तो राजगृह से पाटलिपुत्र में किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था? आपको पता है, ऑप्शन सी उदयन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, यानी कि भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको, राजगृह, जिसे राजगीर के नाम से भी जानते हैं, वहां पे हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, ये बिहार में है, बिहार में था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, यह कौन सा अभिलेख है जिस अभिलेख से यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके ऑप्शन ए, अशोक के रुम्मिन देई में। ठीक है, किसमें? रुम्मिन देई अभिलेख से ये प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? किसके राज्य में हुआ था? ठीक, मल्ल, शाक्य, लिच्छवी या पाल? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मल्ल के। ठीक है, मल्लों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कुशीनारा में थी, कुशीनारा में थी। यहीं पे बुद्ध का अंतिम समय होता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आनंद, सारिपुत्त, मोगलान या सुभद्र? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सुभद्र। सप्तपाणी गुफा कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा है कि सप्तपाणी गुफा कहाँ स्थित है? सांची में, राजगृह में, नालंदा, पावापुरी या इनमें से कोई नहीं? तो सप्तपाणी गुफा आपका राजगृह में है। ठीक, राजगृह में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? यही हमसे पूछ रहा है। अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है ये आपका कनिष्क के, ठीक है, ये आपके कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन डी आपका सही है, के शासन काल में प्रकट हुई थी। यह आपका उस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, जब अध्यक्षता होती बौद्ध धर्म की, और यहाँ पे दो भागों में बट जाता है बौद्ध धर्म, एक हीनयान में, एक महायान में, या कुंडलवन कश्मीर में आपका संपन्न हुआ था। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? यही हमसे प्रश्न पूछा गया है। करमापा लामा एक तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय है, उसके किस वर्ग से संबंधित है? गेलुगपा, कंग्युपा, साक्यपा, लिंगमापा? तो आपका जो सही उत्तर है यहाँ पे वह है ऑप्शन बी, कंग्युपा। ठीक, त्रिपिटक क्या है? यही पूछ रहा है कि त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के तीन बंदर, महावीर के तीन नगीने, ब्रह्मा विष्णु महेश या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह? तो त्रिपिटक आपके हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन डी। ठीक, त्रिपिटक में आपके आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यही थे तीनों पिटक।
सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आपसे यही पूछ रहा है। ऋग्वेद, जातक कथाएं, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी। तो आपका ऑप्शन ए सही है, करेक्ट है, ऋग्वेद में। पहली बार ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रमाण मिलता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कनिष्क। कनिष्क आपका सही आंसर है, क्योंकि कनिष्क के ही समय में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान में। कनिष्क महायान से संबंधित था और यहाँ पे इसने मूर्ति पूजा स्टार्ट की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, पिछला प्रश्न भी वही था हमारा। गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान मिला और यही एकदम देखिए उसी से संबंधित है। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव आपके बौद्ध धर्म में वही कनिष्क ने रखी थी, ठीक है, महायान संप्रदाय ने। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में जो बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि को छुए हुई है, वह किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से, कुषाण, सुंग, या गुप्त काल, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ये देखिए आपका गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, ये गुप्त काल से संबंधित है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा की अगर बात की जाएगी तो ये आपके कुषाण से संबंधित है, ठीक है, ये कुषाण काल से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, दर्शन, रसायन विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नालंदा जो है आपका ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, यहीं पे आपका ह्वेनसांग आया था अध्ययन करने के लिए, चीनी यात्री था ह्वेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, अहिंसा है, आत्मदमन, यही नहीं है। ऑप्शन बी आत्मदमन नहीं है, आत्मदमन का मतलब हुआ आत्महत्या, ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं है, खुद की जान लेना। वेदों के प्रति उदासीनता, बिल्कुल सही है, रीति रिवाजों को अस्वीकृति, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे आज हमने आपसे 50 प्रश्नों के, महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने देखा, प्रैक्टिस किया। ऐसे ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि तकरीबन 5,000 प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे आपके परीक्षा से पूर्व। बस आप लोग अपना प्रेम, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ये क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई व्यक्तिगत हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर आप हमें सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।